झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी कमर कस लिए हैं। वे औरंगाबाद में संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव झारखंड में बहुत पीक पर है और अगर गरीब हैं फिर भी एनडीए के रहते हुए भी डबल इंजन सरकार के रहते हुए भी तो इसका दोषी और कोई नहीं केवल और केवल बिहार में नीतीश कुमार और झारखंड में बीजेपी की सरकार है। बिहार की सरकार जो है हर एक मोर्चे पे विफल रही। आए दिनों आप लोगों ने देखा होगा चाहे चमकी बुखार हो बाढ़ हो सुखार हो अपराध हो महिलाओं पे अत्याचार हो किसानों और मजदूरों की बदहाली हो नौजवानों को जो रोजगार का जो वादा किया था जिस प्रकार से बिहार में बेरोजगारी है हमको नहीं लगता कि और किसी राज्य में इस प्रकार का युवाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है चाहे शिक्षा व्यवस्था हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। विधानसभा का जो नौकरी जो सीट निकला था आप लोगों को पता लगभग 125 सीट के मुकाबले जिसमें माली क्लर्क चपरासी की बहाली होनी थी थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी में लगभग जो है 5.5 लाख नौजवानों ने आवेदन देने का काम किया और आवेदन देने वाले छात्र वो हैं जो बीटेक किए हुए हैं बीकॉम किए हुए हैं मेडिकल एमबीए किए हुए हैं पीजी किए हुए हैं जो डिग्री लेकर के ये स्थिति है नीतीश कुमार की ये उपलब्धि है मुख्यमंत्री जी की कि डिग्री लेने वाला लोग भी जो है चपरासी के लिए आवेदन देने का काम कर रहा है। पूरे विश्व में सबसे युवा देश हमारा भारत है और इस भारत में सबसे युवा प्रदेश बिहार है और वहाँ युवाओं की ये स्थिति है वो देख करके ये सरकार को गंभीर होकर के रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए इंडस्ट्री लानी चाहिए लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से अपराध का बोलबाला है ये सरकार में बैठे लोगों को बाय इलेक्शन में भी जवाब मिल गया है संदेश मिल गया कि इनका जो मंसूबा है बिहार के लोगों को ठगने का लेकिन बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार इनसे एक एक बदला जो है जो वादे इन लोगों ने करने का काम किया था इसे लेने का काम करेगी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 लालू यादव जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय जनता दल ए हटिए साथ से सब कुर्सी आगे कर दीजिए ना कुर्सी आगे कर दीजिए रंजन जी।